हेलो एवरीवन, दिस इज तन्वी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू गेट अ गुड रिलेशन विथ आवर बॉस। लाइक नॉर्मली कुछ हम लोगों के फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ अनफेवरेबल होते हैं। अनफेवरेबल मैंने बायो का टर्म यूज कर लिया, सॉरी। कुछ बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो बेसिकली जो हम लोग को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं वीक सब्जेक्ट। वीक सब्जेक्ट वो पहले से नहीं होता है, ये भी हम ही डिसाइड करते हैं कि हाँ ये तुम हो ना, ये तुम मेरे वीक सब्जेक्ट हो और तुम मेरे स्ट्रांग सब्जेक्ट हो। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि बुक्स हमारी फ्रेंड्स होती हैं, ठीक है। और बुक्स में भी तीन कैटेगरी होती हैं कि ये मेरी फेवरेट है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ये नॉर्मल सब्जेक्ट है, एंड दिस वन इज वीक सब्जेक्ट, ठीक है। और सेम हम लोगों के फ्रेंड्स होते हैं, एक बेस्ट फ्रेंड होता है, कुछ नॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं, कुछ से हमें तो मतलब ही नहीं होता, क्लास में होते हैं बट हमें मतलब नहीं होता। ऐसा होता है ना, होता ही होगा यार, आप भी तो हम लोगों जैसे ही हो। तो एक क्लास में बहुत अच्छे होते हैं, स्कूल ले लो या फिर कॉलेज लाइफ, बट ये हम डिसाइड करते हैं कि कौन बच्चे हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं और कौन बच्चे हमारे नॉर्मली फ्रेंड और किनसे हमें मतलब ही नहीं। सो जिसे हम लोग बेस्ट फ्रेंड कहते हैं उसे हम लोग बेस्ट फ्रेंड क्यों कहते हैं? नॉर्मली अगर हम लोग बेस्ट फ्रेंड कह रहे होंगे तो कुछ तो रीज़न होगा ना इन तीनों कैटेगरी में कि बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड एंड कुछ नहीं। सो क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि जिस इंसान के साथ हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम व्यस्त करते हैं, मीन्स व्यतीत करते हैं और स्पेंड करते हैं, चाहे कोई भी हो, जिसके साथ हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो हमारे बारे में जानता है, हम उनके बारे में जानते हैं, होता है ना। हमें उनकी हर चीज़ पता होगी, उनकी फैमिली से लेके, उनकी फैमिली बैकग्राउंड से लेके हर चीज़ की, वो अपना डे कैसे स्पेंड करते हैं। इवन कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं कि दिन भर साथ रह के भी फ़ोन पर उन्हें बात करनी होती है, होता है ना। और जो फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स को हमने कैसे डिफाइन किया कि हाँ ये नॉर्मली फ्रेंड्स हैं? वो फ्रेंड्स होते हैं कि हम लोग उन्हें आउटर बाहरी तरीके से जानते हैं, बट हाँ उन्हें इनर से नहीं जानते कि वो बंदे या फिर बंदी का अंदर से कैरेक्टर कैसा है, कि वो रियलिटी में क्या है। हाँ हम लोग जैसे कि जानते हैं कि हाँ ये बाहर से ऐसा है, लाइक हम लोग कहते हैं नहीं डीप स्टडी एंड बाहरी स्टडी, होता है ना। और चलो जो लास्ट का बच्चा हुआ है, जिनका हमें मतलब ही नहीं, वो ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम देखते भी नहीं हैं, बिल्कुल नहीं देखते, बिल्कुल क्या उनसे हमें ऐसा लगता है कि यार इनकी ज़रूरत नहीं है, बट वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, लाइक हमारे वीक सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मैं बेस्ट फ्रेंड को कहा है कि वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जो फ्रेंड्स है वो हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट, और जिनका हमें मतलब नहीं वो हमारे वीक सब्जेक्ट। तो आज हम लोग फ्रेंड्स के साथ ऐसा करते हैं तो बुक्स के साथ भी तो हम लोग ऐसे ही करते हैं यार, बुक्स के साथ तो और ही हम लोग झंझट करते हैं यार। पर ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आपको आपके दोस्त कुछ दे या ना दे, बट आपके जो बुक्स होते हैं वो आपको हर चीज़ देती है, आपको नॉलेज देती है, कि अगर आप उनको जितना क्लोज करोगे ना तो उतना आप सबकी नज़रों में ऊपर ही उठोगे यार, क्योंकि नॉलेज बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हाँ आप अपने आप को वीक महसूस नहीं करते हो कि हाँ हमें कुछ नहीं आता, आपको लगता है कि हाँ हम अगर हमारे साथ कोई नहीं है तो कम से कम हमारी नॉलेज तो है, उसके दम पे तो हम कुछ कर सकते हैं। सेम अप्लाई होता है हम लोग की बुक्स के साथ। सो वीक सब्जेक्ट, वो वीक सब्जेक्ट पहले से नहीं था, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था वो भी पहले से नहीं था, ये आपने खुद डिसाइड किया है।
कि तुम दूर जाओ, तुम मेरे वीक सब्जेक्ट हो, तुम मुझे कुछ नहीं देते। अरे नालायको, जब तुम खुद नहीं पढ़ोगे, जब तुम खुद उन्हें टाइम नहीं दोगे, तो वो कैसे समझाएंगे तुम्हें कि हाँ कि वो एक्चुअली में क्या है। मुझे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, जैसे आपने बेस्ट फ्रेंड को माना है, आप उनके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हो, इसीलिए आप उन सब्जेक्ट में माहिर हो। अगर वही चीज़ आप अपने वीक सब्जेक्ट के साथ करो ना, तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ तुम में भी कुछ बात है, तुम भी बहुत इम्पोर्टेंट हो। यार इंसान ज़रूर रंग बदल सकते हैं, काफ़ी बदल देते हैं, बट बुक्स कभी बदलती नहीं है। बुक्स हमेशा आपको डेफिनेटली वो आपको कुछ ना कुछ देख के ही जाएगी, कुछ ना कुछ देती है, चाहे आप कोई से बुक पढ़ो। सो जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो क्या निकली है कि बच्चों, जितने भी लोग हो जो आपका वीक सब्जेक्ट है, उसे भी अपने क्लोज लाओ, उसे जानने की कोशिश करो कि आखिर वो सब्जेक्ट कहना क्या चाहता है, उसकी सोल तक पहुँचो। अगर जब आपने ये सब कर लिया ना, डेफिनेटली आपके लिए कोई भी वीक सब्जेक्ट नहीं रहेगा। एंड सेकेंड थिंग, आज का जो टाइम है ना, मोस्ट ऑफ द लाइक मेरा भी पहले, मैंने अपना पूरा टाइम दूसरे लोगों को जानने में बर्बाद करती थी। लाइक यहाँ पे बहुत आपको अनजान व्यक्ति मिलते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, काफ़ी लोग मिलते हैं, बहुत ज़्यादा, जो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, आपका काफ़ी टाइम वेस्ट कराएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और उस टाइम पे आपको ये लगेगा कि हाँ ये मेरी बहुत केयर करता है, ये करता है, वो करता है, बट जब आपको ज़रूरत रियली में उनकी नीड होगी ना, कोई सामने नहीं आएगा। सिर्फ आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में रहेगी और आपकी थोड़ी बहुत आपकी नॉलेज। सो डियर बच्चों, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, अपना फालतू का टाइम वेस्ट करना बंद करो, क्योंकि यार टाइम फालतू नहीं होता है, बट आप ऐसे लोगों के चक्कर में इसे वेस्ट कर देते हो, फालतू बना देते हो। टाइम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, कि एक बार चला जाता है ना तो वापस नहीं आता, इसीलिए सिर्फ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, जिनको सच में आपकी नीड है, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ करो, अपनी बुक्स के साथ स्पेंड करो, बट किसी दूसरे ऐसे इंसान के ऊपर मत वेस्ट करो कि वो आपको बाद में सिर्फ हर्ट करे और कुछ ना करे। चलो इसको अब हम यहीं पे फिनिश करते हैं। बाय, टेक केयर एवरीवन।